मॉर्निंग प्रांत, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है शुक्रवार और तारीख कितनी है गुड्डू? आज 16 तारीख है, 9:30 बज लिए और सुबह का नाश्ता पानी की तैयारी चल रही। और पीहू और रूही कल भी इनकी डाउन आई प्लेट, वैसे तो चिंतित है पूरा परिवार, लेकिन एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं और भगवान ठीक ही करेगा। वैसे देखने से फुर्सत लग रही, बाकी आज टेस्ट होगा उसमें पता लगेगा क्या हिसाब है। गिर जाता दे किच्चा, आज मैं लूंगा। तो जी ये बच्चों का ब्रेकफास्ट चल रहा, इन्हें थोड़ा सा वो दिया था पपीता काट के, पर बोर हो गए अभी खाते खाते बेचारे। बड़ा ही आदमी बोर हो जा बीमारी में, कहाँ खाया जा। और मैं आंसू को दिखाता हूँ क्या कर रही। तो जी ये लग रही है आंसू, क्या कर रही, क्या बना रही? मैं बच्चों के लिए तो दलिया बना रही और रोटी भी बना रही, जैसे रोटी खा रही दलिया भी बना रही है, रोटी बना रही। बच्चों को ठीक के लिए ठीक रहेगा, वैसे तो बेचारे बोर हो रहे। तू कह रही थी वो मम्मा खिचड़ी और दलिया खा खा के बोर हो गए, क्योंकि थोड़ा सा अगर अभी एक हफ्ता तो हो ही गया कम से कम इन्हें ऐसे ही खाते खाते। और मैं तो बेचारी फिर भी उनकी हिम्मत है खा रही है, नहीं तो जो कोई बड़ा भी होता ना तो बिल्कुल भी नहीं खा पाता। बोर से तो हो ही जा, एक ही चीज मन सा भर जा खाया बिन जाता। हाँ। लेकिन क्या करें, फिर भी वे सोच ले नहीं चलो ठीक होना खा ले, बस कभी डांट के खिलाना पड़े कभी प्यार से खिलाना पड़े, ऐसा ही चल रहा। बस देखो आज टेस्ट करवाओगे दोनों के, कैसी आएगी रिपोर्ट। कल तो और भी ज्यादा डाउन ही आई, वरना कल भी लग रहा था कि आज थोड़ी ठीक ही आएगी रिपोर्ट, लेकिन जैसा रिपोर्ट आई तो वो और भी ज्यादा प्लेट पे डाउन ही आई। बस कोशिश यही कर रहे हैं मका जल्दी ठीक हो जाए, और थोड़ा थोड़ा खाने के लिए भी इसीलिए दे रहे हैं मका, थोड़ा सा बन जाए इनका मतलब सही सा हो जाए रोटेशन से काम। लेकिन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्यों नहीं बढ़ रही है नहीं समझ में आ रहा। वरना तो बस टाइम ही देख लो, टाइम ही है, समय भारी है, बस यही समझ लो जैसा कैसा चलो, ये भी निकल जाएगा थोड़ा सा बस। खाए पीवेंगे ठीक हो गए, आज ठीक आ सके क्योंकि देखने से इनकी ठीक से लग रहा था। देखने तो लग रहा लेकिन बस कल खत्म हो गया, जब कल भी थोड़ी हुई तो ठीक सी लग रही थी, पीहू की तो है डाउन कर रहा लेकिन प्लेट तो फिर भी डाउन गया। चलो चलो जी, आप भी अपना आशीर्वाद दो, आप भी दुआ करो कि भगवान जल्दी जल्दी बच्चों को ठीक कर दे, क्योंकि बच्चे बीमार है ना तो पूरा घर परेशान, पूरा परिवार परेशान होगा। मन भी चाहे काम भी कर रहे फिर भी वही रहता है, मगर बच्चे बस ठीक हो जाओ कैसा ना कैसा ठीक हो जाओ, बच्चों का दुख ना देखा नहीं जाता। और इंदु की भी पता कंडीशन खराब हो रही, क्योंकि तबीयत उसकी पहले ही डाउन थी, और बच्चों का दुख देख कर तो अपना तो भूल ही जाए, बच्चों की वजह से और भी ज्यादा परेशानी होती है। तो जैसा कैसा भी बस उसे भी समझाते हैं, मगर परेशान नहीं हो करते, और दुख तो होता ही है। भैया भी बहुत परेशान है, क्योंकि और आदमी का क्या होता है, औरत तो फिर भी चल अपना मन भी भारी कर लेती है कुछ भी, लेकिन आदमी करता भी है और अपने दुख को छुपा के भी रखता है, ये सबसे बड़ी हिम्मत है आदमी की। लेकिन बस वही है, भगवान से ही प्रे करते हैं कि भगवान जल्दी जल्दी बच्चों को ठीक कर दे, सारा कुछ ठीक हो जाए। और तो खाना सबने खा लिया था, नाश्ता हो गया था, और वो तो पता ही तबीयत ढीली सी हो रही, तो बैठे हैं सब बस ऐसे ही बात कर रहे हैं, और मन सबका ही परेशान है, छोटे बड़े सारे ही परेशान हो रहे हैं आज। ना तो कुछ काम करने का मन हो रहा कि क्या करें, और ना बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं हो रहा, यह है कि करना तो सब कुछ पड़ा है लेकिन मन बहुत परेशान है बच्चों की वजह से। टेंशन हो रही इतनी ज़्यादा कि बस पूछो ना क्या करना, वही हो रहा कि क्या आज जो रिपोर्ट आएगी वो कैसी आएगी, देखते हैं क्या होगा कैसे करना, अगर डाउन हुई मतलब प्लेटें तो कैसे करना, कहाँ एडमिट करना, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल भी बेड वगैरह खाली नहीं, तो उसी वजह से टेंशन में है सब, और डिस्कस चल रहा उसी चीज़ का, बैठे सब बातें कर रहे। और इंदु की भी तबीयत आज डाउन ही है, वो भी लेट रही, पूरा लेकर नारियल पूरा लेकर बैठी, थोड़ा भी नहीं लिया, उन्होंने सोचा सबको बांट के दे दूं, थोड़ा भी नहीं लिया, सारा लेकर बैठी देख लो। और वैसे अनु बता रही है कि मैं बीमार हूं, देख ले रूई पीऊ तो मैं भी तो नहीं दिया, अब तो लेकर बैठ गई।
या भी नहीं, बिल्कुल भी मुंह लगाती नारियल पानी का जूस दे दो, जूस क्या पी लूंगी अगर नारियल पानी नहीं पीती। और यहाँ मैं उसके साथ थोड़ी सी हंसी मजाक सी कर रही थी, वही देखो दुख तो मैं ये नहीं करती, मुझे नहीं है, दुख भी है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा सा माहौल ऐसा ना हो, क्योंकि सभी दुखी से रहते हैं तो और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैं कहा चलो मैं थोड़ी सी हंसती बोलती रहती हूँ सबके साथ, मैं कहा जिससे सबका दिमाग मतलब माइंड सा इधर उधर जाएगा तो इतनी टेंशन नहीं होने की। तो यहाँ बस में फिर जा रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, और 12:30 बज चुके हैं, डॉक्टर ने बोला था कि 12:00 के बीच करा लेना। तो जी अब हो गया दोपहर का टाइम और इंदु और बच्चे गए हैं टेस्ट कराने के लिए, इंदु भी दिखा के आएगी डॉक्टर को क्योंकि आज उसकी तबीयत भी डाउन सी हो रही बहुत ज़्यादा, और बच्चों का तो टेस्ट कराना ही है, देखते हैं क्या होगा कैसे आएगी रिपोर्ट, जब आएगी बताऊंगी मैं आपको। और अब मैं बना लेती हूँ खाना दोपहर का, और दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी, क्योंकि पीहू का मन कर रहा है, कल भी वो कहती कि मम्मा मेरा आलू की सब्जी खाने का मन कर रहा, तो पतले से आलू बनाऊंगी, ज़्यादा सूखे नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसमें रोटी वो मतलब भिगो के खा लेगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो दोनों से खा लेंगी तो वो नुकसान भी नहीं देगी रोटी इस वजह से। तो मैं फटाफट से बस बना देती हूँ खाना, तब तक वे भी आ जाएंगे, ऐसा तो 1 घंटा सारा हो गया उनको जाए हुए, क्योंकि उधर भी गए हैं वे, उधर ही उनके कपड़े वगैरह थे तो कपड़े वगैरह बदलेंगे, और जब गए होंगे डॉक्टर के फिर रिपोर्ट आ जाएगी तब जाके आएंगे वे यहाँ पर, तब तक बस मैं फटाफट से खाना बना के तैयार कर देती हूँ। और ये देखिए कृष्णा को ये बन रहा है मैडम, कह रहा कि मैं मैडम बन रहा, और इसको ईशु ने साड़ी पहना दी, और पर्स आज ये सुबह से लिए फिर रहा, इसके डैडी ने बनाया था ये पर्स और इसको मिल गया, इसमें सारा सामान, इसने क्रीम पाउडर वगैरह चूड़ी वगैरह जो भी मेरा सामान था ना मेकअप का सारा रख रखा, और फ़ोन ले रहा हाथ में ऐसा जैसे टीचर रखती है ना, सेम ऐसे ही, वो कह रहा मैं टीचर बन गया। छोटे छोटे बच्चे बस ये है कृष्णा के साथ ना, मतलब इतना पता नहीं चलता, जैसे उसकी हरकतें हैं ना तो उसमें दिमाग मतलब चेंज हो जाता है उसके उसके साथ रह के, तो इतनी टेंशन सी नहीं रहती। तो खैर मैंने खाना बना लिया है, और आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि रिपोर्ट आ चुकी है पीहू और रूही की, और इंदु का भी टेस्ट कराया क्योंकि आज इंदु के भी तबीयत डाउन थी इसी वजह से, क्योंकि टेंशन में भी ये प्लेटलेट्स जो होती हैं कम हो जाती हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि आज उनकी बढ़ के आई है। पीहू की है 1,49,000 हो चुकी, कल उसकी 1,05,000 थी, और रूही की बढ़ी है 1,35,000, 35 या 37 के लगभग है, मतलब कि कल 1,02,000 थी उसकी, तो 33,000 रूई की बढ़ी है और 47,000 पीहू की। तो सच में सुन के इतना मन खुश हुआ, बहुत ज़्यादा मन खुश हुआ, मन को बहुत शांति मिली, क्योंकि एक कल से हमारे घर में ऐसा माहौल हो रहा था, सब काम कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन कुछ भी करने का मन नहीं था, मन परेशान था सबका ही, छोटे बड़े सब परेशान थे। तो बस आज थोड़ा सा मन खुश हुआ है कि चलो बच्चों को थोड़ा आराम है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने ये बोला है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता चलता, ये प्लेटें ऐसी होती हैं कि एकदम से अप भी हो जाती हैं और डाउन भी। बस भगवान पर विश्वास है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ, बस यही कहेंगे कि बच्चे जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएँ, ठीक हो जाएँ, और बस अपना वही अपना सबका रूटीन बन जाए, क्योंकि टेंशन इतनी ज़्यादा, दुख जितना दुख है उससे भी ज़्यादा टेंशन हो रही घर में ये इस वजह से। तो जी खैर जितना अब आराम हुआ है धीरे धीरे और भी होएगा, उसके ऊपर विश्वास है भगवान के, उसका आशीर्वाद है सबके साथ। तो यहाँ बस खाना मैंने बना दिया था, और आप देख ही सकते हैं चेहरों से ही पता लग जाता है कि कितना मतलब शांति हुई है आज, मन खुश हुआ है सबका सुन के, वरना तो बहुत, जो कल की रात थी हमारी एक ऐसी रात निकली मतलब टेंशन भरी रात निकली कि कैसे क्या करें, कल से अब तक 24 घंटे का जो टाइम था वो बहुत ही मुश्किल से निकला, बस कि कैसे करें। चलो जी खैर जो भी कुछ अपना कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर अंधेर नहीं है, तो वो ही कहते हैं, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो अब आराम है, बस और भी ज़्यादा
हम बच्चों की देख रेख करेंगे जितनी हो सके, मतलब उनके ध्यान रखना, खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना। डॉक्टर ने बोला कि ये मत समझ लेना कि बढ़ चुकी है प्लेटलेट्स जो हैं, तो आप इनको खाना वगैरह का इतना ध्यान ना रखें। आपको एक हफ्ते से क्या 15 दिन तक लगातार ऐसे ही इनकी जो डाइट है वो सेम ऐसे ही रखनी, क्योंकि ये ऐसे ही मतलब 14 दिन का होता है डेंगू का कि ये अप डाउन चली जाती है। तो बस हम उस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हर चीज़ इसी तरीके से करेंगे। बस सुकून यह है कि अब थोड़ा सा आराम लगा है बच्चों को और बच्चे भी खुश हैं आज। तो खाना पीना सबका हो गया और सबने आज पेट भर के 2 दिन बाद खाना खाया। खा तो कह तो रही सभी रहे थे, लेकिन वही है बस फॉर्मेलिटी पूरी हो रही थी हर काम की। तो इधर खा खू के सब बैठे हैं अपना आराम कर रहे, और बस मैं किचन में लगी हूँ। मैंने भी खाना खा लिया था, मैंने फिर जो बर्तन वगैरह थे सारे धो दिए, किचन की कर दी है क्लीनिंग। यहाँ शाम का टाइम हो चुका है और मैं बनाने लगी हूँ चाय अपने लिए और इंदु के लिए। भैया तो दुकान पे चले गए थे और इंदु दे रही है बच्चों को ग्लूकोज वाला पानी, जो पानी है वो उबाल के रखा हुआ बोतल भर के, तो उसमें ही कभी नारियल पानी दे देते हैं, कभी ग्लूकोज वगैरह डाल के इलेक्ट्रॉल वगैरह डाल के घोल के दे देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही देते हैं क्योंकि बच्चों को पिलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे ऐसे हैं कि अगर जैसा समझा रहे ना, तो दोनों बच्चे ही रूई भी और पीयू भी बेचारी ये समझ लो कि ये सोचती हैं कि जल्दी ठीक होना है या किस वजह से, फिर भी पी लेती हैं। तो यहाँ उसने पानी दे दिया और मैंने बना ली है चाय अपने लिए और इंदु के लिए। और गुड्डू के पापा तो पीते नहीं, उन्होंने ना कर दी थी, कन्हैया भी नहीं पीता, तो वे बैठे हैं, उन्होंने भी बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। अपना थोड़ा सा सुकून मिला है, वही कर रहे हैं कि अब ठीक है कैसा करना, बस यही कह रहे हैं गुड्डू के पापा कि अभी भी हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी, आगे के लिए भी ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए हमारी बातें भी चल रही, चाय भी हम दोनों बहनें पी रहे, और बच्चों के लिए मैंने कर दिया है दूध। बच्चों को थोड़ी देर में दूध दे दूंगी, दूध उबाल करके धर दिया मीठा करके, तो थोड़ी देर में दे दूंगी। तो यहाँ बस बैठे हैं सब। तो दूध चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर करने लगी हूँ प्रेस। और इधर कल ईशू का और गुड्डू का एग्ज़ाम भी है, गुड्डू भी अपना पढ़ रही है और ईशू को मैं थोड़ी सी तैयारी करवा रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी इतना मुझे ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि डिस्टर्ब सा हो रहा सब कुछ ही और मन भी परेशान है ना, मैं इतना पढ़ा पा रही ना वो ही पढ़ पा रही। तो बस फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कराना तो पड़ेगा, कल पेपर है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहा चलो देखती हूँ थोड़ा सा। तो वो भी बैठी है, उसको थोड़े से मैंने क्वेश्चन डाल के दिए हैं, वो कर लेगी और मैं बस अपना प्रेस कर रही हूँ। इंदु भी बैठी है यहीं पे, पीयू भी सब बैठे थे, बस आपस में ऐसे ही बात भी चल रही है हमारी और काम भी। तो जैसे मैं प्रेस कर रही थी, प्रेस करने के बाद मैंने पूजा की है और यहाँ इंदु लगी है किचन में। मैं इसको ना भी कर रही थी, मैंने कहा रहने दे तू, मैं कर लूँगी अपने आप। वो कहने लगी नहीं अब तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी है और मैं कर लेती हूँ। जो चाय के दूध के बर्तन थे सारे शाम के, बस वो कर रही है, टोकरा वगैरह उसने खाली कर लिया। कोई भी है जैसा थोड़ा सा आराम मिलता है तो बैठा तो जाता नहीं, तो वो लग भी रही है। मैं इसको कह रही थी कि रहने दे, वो बस वही सोचते हैं कि भाई चलो एक दूसरे की हेल्प से सारा काम हो जाएगा, थोड़ा वो कर लेगी। मैंने बस अपना दिया बत्ती कर लिया, तब तक उसने बर्तन वगैरह धो लिए हैं सारे। और अब मैं बस करने लगी हूँ शाम के खाने की तैयारी। खाने में मैं वही पूछ रही कि क्या खाओगे, तो बच्चे बस सारी चीज़ ऐसी ही मांग रहे, मम्मा ये बना दो, लेकिन सारी चीज़ ही ये लगता है कि भारी है। तो मैंने सोचा चलो मूंग की दाल ही बना देती हूँ हल्की फुल्की सी, तो रोटी भिगो के खा लेंगे, पतली सी बना दूंगी। तो यहाँ मैं लहसुन प्याज छील रही हूँ और इंदु बना रही है आटा, क्योंकि आटा मेरे हाथ से बनता नहीं, रोटी तो मैं बना भी देती हूँ लेकिन आटा नहीं बनता। तो बस दोनों मिलजुल के कर लेंगे सारा काम।
और इधर इसके पापा बच्चों को देने लगे हैं नारियल पानी। उनको आधा आधा घंटा बाद कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है पीने के लिए, और डॉक्टर ने ज़्यादातर लिक्विड ही बोला है कि लिक्विड ही दो। तो यहाँ वे नारियल निकाल रहे हैं, और जो ये बड़े वाला नारियल है इसमें से तो एक गिलास ही निकला, तो वो ही हम हंस रहे हैं। और ये अब एक दूसरा है, और बल्कि ये छोटा है, इसमें से निकल के 2 गिलास नारियल जो पानी है वो, तो वही कह रहे हैं। मैंने कहा छोटे वाले में से इतने निकल गए और बड़े में से थोड़ा सा ही, तो यहाँ बस सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके पिला देंगे। और ये तो आराम से पिला देते हैं नीरज भैया भी और गुड्डू के पापा भी, और हमें पिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमें तो ना कर देती हैं सारी। तो यहाँ में बस ऐसे ही थोड़ा सा लारा सा लगा के बच्चों को दे देंगे, बस मैं खाना बना लूँगी। और बस अब मैं शाम का जो रूटीन है हमारा, और अब बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।